हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि लेबर पेन स्टार्ट होने के कितने टाइम बाद डिलीवरी होती है। इसको लेके बहुत सारी लेडीज को, जिनकी फर्स्ट डिलीवरी है, सेकंड डिलीवरी है, थर्ड डिलीवरी है, सबको कंफ्यूजन रहता है कि सब कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गलती कैलकुलेशन में करके बैठ जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है, आपने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं, तो आपको जो पहला पहला लेबर पेन स्टार्ट होगा उससे लगभग 16 और 18 घंटे के बाद आपको डिलीवरी होगी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी पर चल रहे हैं तो आपने देखा फर्स्ट टाइम जो सर्विक्स का मुंह खुलता है वो थोड़ा सा लेट खुलता है और उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो पहली बार काम होने जा रहा है। तो फर्स्ट लेबर पेन और डिलीवरी के बीच में 16 से 18 घंटे का गैप होता है और आपको इस गैप को एंजॉय करना चाहिए। आप इस गैप में वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सी देर बैठ सकते हैं, दूध में घी डाल के पी सकते हैं और डॉक्टर के पास रह सकते हैं। आप इस टाइम को बहुत हंसते हंसते भी कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्योंकि हंसने से भी जो सर्विक्स है वो बहुत जल्दी खुलती है और आपको पेन कम होता है, आपका टाइम भी अच्छे से पास होता है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी है और अब आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं और सेकंड डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको कब हॉस्पिटल जाना है? आप इसके बेसिस पे नहीं जा सकते कि फर्स्ट टाइम मुझे 16 आवर्स के बाद बेबी हुआ था तो अब मैं 10 आवर्स के बाद हॉस्पिटल जाऊंगी। नो, यू आर इनकरेक्ट, आप गलती पर हैं, क्योंकि जब सर्विक्स को सेकेंड टाइम ओपन होना होता है तो ये काफी लूज और फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है और अब आपको फर्स्ट लेबर पेन और डिलीवरी के बीच में केवल 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि फर्स्ट टाइम तो 16 आवर्स लगे थे तो अब भी 16 आवर्स लगेंगे तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊं, इसी कारण बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे कि घर पर ही डिलीवरी हो गई या रास्ते में डिलीवरी हो गई या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हॉस्पिटल के गेट पर ही डिलीवरी हो गई, उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में इस तरह की गलती रहती है। तीसरा, अगर थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं और तीसरी बार आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अब जो आपकी सर्विक्स है वो दो बार खुल चुकी है, फ्लेक्सिबल हो चुकी है, तो अब आप सोचेंगे कि नहीं, सेकंड बेबी में तो 8 से 10 घंटे का टाइम लगा था तो आई कैन वेट फॉर 8 आवर्स एट होम, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। नहीं, अगेन आप गलती करने वाले हैं। अब आपको केवल 4 से 6 घंटे का टाइम लगने वाला है, यानी कि जैसे ही आपको फर्स्ट लेबर पेन आया और डिलीवरी के बीच में केवल 4 से 6 घंटे आपको मिलेंगे और तुरंत बेबी बाहर आ जाएगा। कुछ लोग, हालांकि इंडिया में तो हम सब 1 या 2 बच्चे ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग 4, 5, 6 बेबी तक भी जाते हैं, फॉरेन कंट्री में भी और इंडिया में भी। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी थर्ड डिलीवरी है तो 3 बार जो सर्विक्स है वो बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है, वो फ्लेक्सिबल हो चुकी है। ऐसे केस में आपको फर्स्ट लेबर पेन और डिलीवरी के बीच में केवल 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप 5th 6th पे जाएंगे तो कई बार डिलीवरी पेन हुआ, लेबर पेन हुआ और साथ साथ ही आधे घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है। कई बार ऐसे सुनने में आता है कि वो तो वॉशरूम गए थे और वॉशरूम में ही डिलीवरी हो गई, क्योंकि उनको वहीं पे पेन स्टार्ट हुआ और जैसे ही वो डब्लू उन्होंने सिटिंग की, डिलीवरी हो जाती है। तो उस डिलीवरी में
बहुत सारे रिस्क रहते हैं क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, आप डॉक्टर के पास नहीं होते, घर में क्या पता आपके पास कोई है या नहीं है, तो आपको बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। तो आपने इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझना है और इसको ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो दिस वॉज माई एडवाइस टू ऑल प्रेग्नेंट लेडीज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। साथ में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है डॉक्टर बीना सेठी SETHI। और आप इस चैनल को भी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार इस चैनल पर भी बनाए रखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.